इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात थक कर सो गई। यार अंकल विशाल में स्टे करने के बाद हम निकले क्लास के लिए। हमारा सफर है उनजा का, उनजा रुके हैं, उसके बाद हम सारा सफर करेंगे और एंजॉय करेंगे। ये मेरे भाई आदिल भाई है, ये मेरे यार, और ये नज़ारे चेक कर लें आप। Underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, fire. भाई ये हमारे अली भाई, इनको आप मौत के कुएं में ले जाओ, चाहे कब्रिस्तान ले जाओ, चाहे अमेरिका ले जाओ, ये हंसते रहेंगे हर वक्त। इनके चेहरे पे माशाल्लाह से स्माइल होगी, जितनी पटेंगी उतनी हंसी आएगी। इनका मार्बल का काम है, ये पहाड़ों के बारे में बड़ी जबरदस्त तरीके से जानते हैं, पत्थर के बारे में इश्क है इनको पत्थर। अली भाई ये कौन से किस्म का पत्थर है यार? ये सैंड स्टोन है, एलिवेशन है, जो करंट एलिवेशन में लगता है। अच्छा, जो आजकल चल रहा है। Follow me down, there's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. आदिल भाई आपको नारान के सफर में और ये हुंजा की जानिब सफर जो हम कर रहे हैं उसके अंदर डिफरेंस क्या नजर आया आपको? क्या डिफरेंस है दोनों में? यार एक तो नारान का सफर जो है ना वो शॉर्ट है, उधर फैसिलिटीज ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है, बात करेंगे सही। दूसरा वो सफ़र भी ठंडा है, एक तो एरिया ठंडा नारान का। अच्छा, दूसरा ड्यूरिंग सफ़र भी आपको इतनी गर्मी महसूस नहीं होगी जून जुलाई के महीने में। सही। चिल्लास का खतरनाक सफर तय करने के बाद गिलगित पहुंचते ही रेस्ट मारो और उसके बाद नेक्स्ट प्लान के बारे में सोचो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। हुंजा का फेमस चाप शोरो अंडर द शेडो ऑफ राका पोश पहाड़। यार इन हुंजा जानी, ये हुंजा का बाजार है करीमाबाद। हमारे कल्चर का इसी टाइप का होता है, लेकिन उसमें होते हैं ये तीन मेन स्ट्रिंग्स हैं इसके, उसके छह होते हैं, उसे छरदा कहते हैं। वो थोड़ा सा इस अंदाज में बजाया जाता है, इसको एक एक स्ट्रिंग को अलग स्ट्रोक दिया जाता है, उसमें दो दो स्ट्रिंग्स को एक एक मिला के बजाया जाता है, फ़र्क ये होता है। और बजाने का निज़ाम ये कि हम लोग ज़्यादातर बजाते हैं सूफियाना अंदाज में, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो आता है पर्शिया से मिलता है,
तो हमारे कल्चर में पर्शियन जो लैंग्वेज की जो है ना वो कसीदे हम ज़्यादा गाते हैं, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पर स्पेशल हमारे महफिल्स होते हैं, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पर बजाने का जो कल्चर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। फोर्ट के अंदर आप नहीं जाते हैं, इसका हिस्ट्री नहीं सुनते, हुंजा के बारे में आप नहीं सुनते, तो आपका हुंजा आने का कोई वो फायदा नहीं है। भाई हम आए थे बलते थे फोर्ट, बहुत उत्ते काका, बहुत उत्ते, मेरे यारों की भी हालत देख लो तुम, बहुत यार। ये थी बलतित फोर्ट की कहानी, यहाँ तक हमारा बलतित फोर्ट का टूर ख़त्म हुआ। अब हम जाएंगे अताबाद लेक, अताबाद लेक यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है, तो वहाँ जाके हम मिलते हैं। ये है अताबाद लेक, 350 फुट गहरी, अगर इसके जेट का आपने मजा नहीं लिया तो फिर क्या लिया काका। जानी अताबाद लेक, आपका भाई है खतरों का खिलाड़ी, अब आपका भाई राइड लेने जा रहा है, डेंजरस काम करने जा रहा है। अभी पिक्चर लेते हैं वापसी पे, अदल खुद चला। उसके बाद सीधा निकले मिनी स्विट्जरलैंड सुस्त शहर के लिए। Melody, no one can control, time, rock and roll, no rule,
वहाँ स्टे कर लें तो आपकी मर्जी है, रंगीनियाँ देखने वाली हैं। काका चेरी खाने पे हैं, इधर की चेरी और कुरमानी मशहूर है हमारा, थोड़ा बुझाएगा आपको यादव भाई बताएंगे। यादव भाई सर ये इधर की चेरी अभी पकी नहीं है, ये आई है बाहर से। फोटोग्राफर साहब आप बताएं कैसा तजर्बा रहा आपका फोटोग्राफी का? अच्छी मूवमेंट था। आपने इतने साल फोटोग्राफी की, कौन सा इनाम मिला आपको? प्राइड ऑफ ऑनर। आदिल साहब आप वडेरे की ड्राइविंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर जिंदगी में दो लोगों पे भरोसा है हमेशा, अल्लाह की जात पे, उसके बाद फयाज साहब पे। वरना आज हम खाइयों की बहालों में होते, उधर डांस कर रहे होते हम। आजकल अब अखबारों में होते चाचो भी खेले लोग पांच छड़े मारे गए। वैसे सब में से ना जो एंजॉय सही किया है ना वो अली भाई ने किया है। सोया है, सोया है, सोया है। और सुस्त से सुबह उठते ही सीधा निकले खुंजराब पास। भाई ने हम पूछेंगे फयाज भाई आप कल्टस पे आए यहाँ तक, इतना लंबा सफर आपने किया है तो आपको क्या तकलीफ पेश आई और आप क्या कहना चाहेंगे कल्टस पर आना यहाँ पर सही है, आ सकते हैं या नहीं? खैर अल्हम्दुलिल्लाह कल्टस सही आई है, हम जो है ना पाँच बंदे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर कल्टस है आपके पास जाहिर सी बात है इतना बड़ा टूर है तो आपके पास सामान भी होगा, तो कोशिश करें कल्टस। और यार एक और बात कि यहाँ पे ना ऑक्सीजन का बहुत इशू है, तो अगर किसी को अस्थमा आए तो वो फिर यहाँ पे ना आए तो बेहतर है। ऑक्सीजन का मसला है ना ज़्यादा, आप बताएं अस्थि है तो यही बताना चाह रहे हैं हम लोग। आदिल भाई आप क्या कहना चाहेंगे? भैया अब हम हैं बाबूसर टॉप के रास्ते पर। यार पहले हम गए थे चिल्लास के रास्ते से, हम आए थे तब बाबूसर टॉप का रास्ता बंद था तो हमें चिल्लास का बहुत डेंजरस रास्ता तय करना पड़ा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बाबूसर टॉप वाला रास्ता खुल गया है तो हम अब उस रास्ते पर हैं। हमारा यार गाड़ी सर्विस करवा रहा है, हम थोड़ा ये इंजॉय कर रहे हैं नेचर को। हमारे अली भाई यार माशाल्लाह ये वॉल्फ के प्लेयर है, इनकी ड्रेसिंग है क्या टूर्नामेंट का गोल्फ का सुराख में बॉले डालने की। भाई ये फुल टाइम बर्गर हो गए एकदम इंग्लिश। अली भाई थोड़ा खड़ा होकर दिखाएं, खड़ा होकर दिखाएं अली भाई। अली भाई की ड्रेसिंग हम पांव से स्टार्ट करेंगे। ओहो ओ माय गुडनेस, ये रात का पहर और ये 4 किलोमीटर रह गया बाबूसर टॉप। तो भैया
सीन्स कुछ ऐसे हैं।